जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 252 आ चुका है और गोजो के रिटर्न अभी भी पॉसिबल है। इस चैप्टर में हमको ऐसे कुछ हिंट्स देखने को मिले जिसके बाद गोजो का रिटर्न अभी भी पॉसिबल लग रहा है। इस वीडियो में हम गोजो के रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी के बारे में एक और फैक्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमको बेसिकली 5 जरूरी चीजें पता चली थी। पहला कि यूटा में कितना ज्यादा और खूबसूरत बैटल IQ है। दूसरा कि सुकुना के ऊपर सोल स्प्लिट कताना से हुए डैमेज के बारे में हम सही थे। तीसरा कि गोजो का रिटर्न अभी भी पॉसिबल है। और चौथा और पांचवा की हकारी और चोसो अभी भी जिंदा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि क्यूसाकाबे और इनो आपस में बातें कर रहे होते हैं और चैप्टर में हमको आगे देखने को मिलता है कि सुकुना खुद से सोच रहा होता है ये पोजेस ब्रैट यानी यूटा का डोमेन खुद ही खुद नहीं टूटा था, उसने अपनी मर्जी से अपने डोमेन को तोड़ा था। इस चीज से हमको पता चलता है कि यूटा में कितना ज्यादा दिमाग है। यूटा ने पहले सुकुना को गुमराह करने के लिए उसके स्लैशेस का है, उसके बाद खुद ही अपना डोमेन तोड़वा दिया और आगे अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिया ताकि दूसरे सॉर्सरर्स को सिग्नल मिल पाए और एट द एंड फाइनली माकी के लिए एक अच्छी सी ओपनिंग तैयार की ताकि वो सुकुना को पेल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं माकी और सोल स्प्लिट कताना के डैमेज के बारे में। सोल स्प्लिट कताना एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जो किसी भी इंसान ऑब्जेक्ट या कर्स स्पिरिट की फिजिकल टफनेस को इग्नोर करके डायरेक्टली उसके सोल पे अटैक करता है। इतना ओपी होने की वजह से इस कताना का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसके यूजर को इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स की सोल देखने में मास्टरी होनी चाहिए और ये सिर्फ दो इंसान ही कर सकते हैं, माकी और तोजी, और वो भी थैंक्स टू देयर अवेकेंड हेवनली रेस्ट्रिक्शन। इस चैप्टर में हमको पता चलता है कि माकी ने डायरेक्टली सुकुना के दिल पे वार किया था और इस कताना के डायरेक्ट डैमेज की वजह से इवन सुकुना को भी हील करने में मुश्किल हो रही थी। हमको फिर पता चलता है कि सुकुना कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल से अपने हार्ट बीट को जिंदा रख पा रहा है। आगे हमको चैप्टर में देखने को मिलता है कि यूटा का किटकैट नंबर 2 बनने के बाद रीका उसे अपनी बाहों में लेके जा रही होती है और द ग्रूम्ड वन वही वापस क्लच करने आ जाता है। और इसी चैप्टर में हमको डबल डोनर बनने के बावजूद भी चोसो वापस देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। इवन दो यूजी ने एक ही महीने में रिवर्स कर्स टेक्निक को सीखा है पर फिर भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है उसे मेंटेन करने में। तभी बिग ब्रदर चोसो आता है और उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देता है अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, जो कि टू बी ऑनेस्ट देख के लगता है कि चोसो एक्चुअली में काफी अच्छा टीचर है, सिर्फ यूजी थोड़ा सा बेवकूफ है जिसको ठीक से चीजें समझ में नहीं आती है। और चैप्टर के खत्म होते होते हमको फाइनली का खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है। मुझे तो सीरियसली लग रहा था कि कुछ चैप्टर्स में सुकुना यूटा को प्रेग्नेंट कर देगा, रीका को खा लेगा और अगले पेज पे इस बैटल का POV चेंज होगा और हमको देखने को मिलेगा कि एट द एंड हकारी का लक फाइनली खत्म हो गया और उराव में उसका गोला बना के उसे चूस गई। जहाँ पे चैप्टर के एंड तक उराव में हकारी से कहती है कि कैसे नामर्द हो तुम, गोजो के जाने के बाद अभी भी तुम कुछ खास डैमेज नहीं कर पाए हो सुकुना के ऊपर, तुम्हें तो कुत्ते की मौत मर के चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उराव में ये भी कहती है कि सुकुना अभी भी होल्ड बैक कर रहा है यानी कि उसने अपनी सारी एबिलिटीज अभी तक नहीं दिखाई है, अभी तक पता नहीं सुकुना कौन से अनेरा वाले टेक्निक्स अपने बम में छुपा के रखा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो लग रहा है सुकुना की हिडन एबिलिटीज फैम बॉय काशिमो की तरह होगी, जहाँ पे एक बार अपनी कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल के बाद काशिमो कुत्ते की मौत मर जाता पर हमको वो देखने को नहीं मिला क्योंकि उसके पहले ही सुकुना ने उसका वॉफल बना दिया था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुकुना की एबिलिटीज भी कुछ ऐसी ही हो, आपको क्या लगता है? अब हम बात करते हैं गोजो के रिटर्न की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रूम्ड वन की। हुई यूटा के किटकैट बनते ही हुई अपना खूबसूरत बदन लेके बैटलफील्ड में आ गया था, इसका मतलब इसी स्पीड से उसने गोजो की भी बॉडी रिट्रीव की होगी क्योंकि हमने देखा था गोजो के डायरेक्ट मरते ही फैम बॉय काशिमो ने अटैक कर दिया था सुकुना पे, जहाँ पे सुकुना खुद थोड़ा सा सरप्राइज था कि थोड़ा रंडी रोना कर लो, तुम्हारा खूबसूरत सेंस कुत्ते की मौत मर चुका है। और उसके बाद सुकुना बिजी हो जाता है काशिमो से लड़ने, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हुई इसी के बीच में गोजो की बॉडी को रिट्रीव कर गया हो। दूसरी चीज है कनेक्टेड हमारे हजार साल बुढ़ाऊ सुकुना से रिलेटेड। हमको इसी चैप्टर में पता चला कि यूजी का दिल निकालने के बाद सुकुना कैसे जिंदा था, वो फोर्सफुली अपने हार्ट को बीट करा रहा था कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल से। तो अब थियरी तो सिंपल है, इसी तरह से गोजो भी तो अपने हार्ट को फोर्सफुली बीट करा सकता है। पर लोग आपस में फिर भी आर्ग्यू कर रहे थे ऐसा इसीलिए था क्योंकि सुकुना को कर्स्ड एनर्जी के बारे में ज्यादा पता है और ये सच भी है। पूरे सीरीज में कर्स्ड एनर्जी के ऊपर होल्ड सुकुना से अच्छा किसी के पास नहीं है, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारा ऑनर्ड वन वापस जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते कि गोजो के पास 6 आइज भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूजी के दिल निकालने के बारे में मेगमी ने डिटेल में गोजो को बताया हो और इसके बाद गोजो ने इस चीज को सीखा भी हो और 6 आइज की मदद से गोजो ऑलमोस्ट कुछ भी इंस्टेंटली सीख सकता है। तो गोजो का आउट ऑफ फ्लू अपना दिल जबरदस्ती धड़कवाने में हम कुछ खास शॉक्ड नहीं होंगे बिकॉज ही इज नन अदर देन गोजो फ्रिकिंग सातोरू।
तो अब हम अपनी थियरी को एक साथ समझते हैं। जब सुकुना ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कटिंग टेक्निक से गोजो को किटकैट बनाया था, तब गोजो अपने हार्ट को फोर्सफुली बीट करवा रहा होगा और उसी के बाद एंट्री मारता है फैम बॉय काशिमो, जिसकी वजह से सुकुना का ध्यान उस पे चला जाता है। इसी वक्त द ग्रूम्ड वन उयुई एंट्री मारता है और गोजो की बॉडी को रिट्रीव कर देता है और इसके बाद आता है उताई में और शोको वाला फैक्टर। इस चीज को समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि सुकुना कितना दिमाग वाला आदमी है। सुकुना भले सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं हो, पर वो सीरीज का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। सुकुना इतना स्मार्ट था कि गोजो से पहली बार लड़ने के बाद ही उसे उसकी टेक्निक के बारे में पता चल गया था और उसके साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया था कि उसे काउंटर कैसे करना है। इसीलिए वो इतने समय से मेगमी के खूबसूरत बदन के पीछे पड़ा हुआ था। पर फिर भी गलती तो इंसान से ही होती है। हमारे थियरी का मेन फैक्टर ये है कि सुकुना को उताहिमे के बारे में नहीं पता है। तो अब उताहिमे के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वेल, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उताहिमे की कर्स टेक्निक है सोलो फॉरबिडन जोन और इस कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से उताहिमे खुद पे या फिर किसी और सॉर्सरर के कर्स्ड एनर्जी आउटपुट को टेम्पररी बफ दे सकती है। गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब गोजो होलो पर्पल का 200% दे के सुकुना के मुंह पे मारता है, तब सुकुना को लगता है कि गोजो ने इस टेक्निक का 200% कोई बाइंडिंग वाव के मदद से किया होगा। पर हम देखते भी है कि जब गोजो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वो चैंट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ उताहिमे भी डांस और चैंट्स कर रही होती है। अब डांस और चैंट्स किया जाता है ताकि किसी भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल उसके फुल पोटेंशियल से हो सके। इसकी मदद से कर्स्ड एनर्जी को कोई एडिशनल बफ नहीं मिलता है, पर इसके इस्तेमाल से उसके फुल पोटेंशियल को यूज किया जा सकता है, जो कि इग्नोर हो जाता है क्योंकि सॉर्सरर अपने कर्स टेक्निक का जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं और इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो गोजो ने अपने चैंट्स पर के होलो पर्पल को 120% पे लाया था और उसके बाद उताहिमे ने अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको 200% तक पहुंचा दिया था और इसका पूरा इफेक्ट इवन सुकुना पे भी दिखा था। पर सुकुना को लग रहा था कि ये किसी बाइंडिंग वाव की वजह से हुआ है, इसका मतलब वो उताहिमे के बारे में नहीं जानता है। तो अब सवाल बनता है कि उताहिमे गोजो के रिवाइवल में कैसे मदद करेगी? वेल, सबसे पहले गोजो की बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि वो बीच से ही कट गई है। तो अब लॉजिक सिंपल है, जब शोको गोजो की बॉडी को जोड़ रही होगी रिवर्स कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से, तब उताहिमे अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगी शोको के रिवर्स कर्स टेक्निक को और बढ़ाने के लिए। पर स्टिल लोगों को अभी भी डाउट है कि इतना काफी नहीं होगा किसी इंसान को वापस लाने के लिए। हम किसी भी ऐसे वैसे इंसान को वापस नहीं ला रहे हैं, हम ला रहे हैं गोजो सातोरू को वापस। और सुकुना ने खुद कहा है कि गोजो और उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक सबसे खतरनाक है। तो बेसिकली जब उताहिमे शोको के रिवर्स कर्स टेक्निक को बफ करेगी, तब शोको गोजो की बॉडी को जोड़ देगी और उसके बाद की हीलिंग गोजो खुद ही कर लेगा। इवन दो ये एक थियरी है, पर ये काफी हद तक सेंस भी बनाती है। तो आपको क्या लगता है, गोजो वापस आएगा या नहीं? और इसी के साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और थियरी भी है गोजो के रिटर्न के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आपको भी जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन, नारुतो, डीमन स्लेयर जैसे एनिमेस में इंटरेस्ट है, तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो।